फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों, इंडिया में 2019 होने वाला है इलेक्शन का साल। आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि टीवी में सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन और कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देगा। इलेक्शन बहुत बड़ा मसला होता है किसी भी कंट्री का। क्या आपको लगता है कि कभी आगे जाकर इंडिया में फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है इलेक्शन में? क्या इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में ये पॉसिबल है? आज के वीडियो में मैं आपको एक यूज़ केस के बारे में बताऊंगा जो कि जिम्बाब्वे में हुआ है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर वहाँ पर हाल में ही 2018 में इलेक्शंस हुए। देखते रहिए इस वीडियो को, आगे देंगे एक छोटा सा एग्जांपल इस देश का कि कैसे वहाँ पर ये फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर इलेक्शंस हुए। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे एक छोटी सी कंट्री, जब तक मैं क्रिकेट फॉलो करता था कुछ साल पहले तक, तब तक तो मैं ये सुनता था कि छोटी सी कंट्री है, इंडिया पाकिस्तान कोई भी इसको आसानी से हरा देता है। अभी ऑफ लेटली स्ट्रांग हो गई है तो कह नहीं सकते, लेकिन छोटी सी कंट्री होने के बावजूद अभी 2018 में ही जो यहाँ पर जुलाई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें एक चीज़ मुझको इनकी बहुत अच्छी लगी कि एक टेक्नोलॉजिकली एक वेरी एडवांस स्टेप, एक वेरी बोल्ड स्टेप इस गवर्नमेंट ने लिया कि इन्होंने अपने वोटिंग सिस्टम को ही बदल दिया। अभी हाल में जो इलेक्शंस यहाँ पर हुए, इन्होंने इस्तेमाल किया फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का थ्रू आउट द कंट्री अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में ज़्यादातर जगह EVM का यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT के बारे में। ज़्यादातर EVM का यूज़ होता है और कहीं कहीं EVM और VVPAT के कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है, लेकिन ये फंक्शनल तो है, ये टेक्नोलॉजी EVM वाली जो टेक्नोलॉजी है ये फंक्शनल है, नो डाउट, बहुत ही अच्छे तरीके से और स्मूथली काम करती है। लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आए दिन हमारे सामने इंटरनेट पर दुनिया भर की रिसर्च अवेलेबल है, वीडियोज़ अवेलेबल है, ना कि हम जहाँ पर हमने देखा है कि आप एक बटन दबाओ वोट कहीं और जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सही है या गलत है, लेकिन सवालिया निशान तो है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कह रही है कि भैया इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अब इस पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेप लिया जाए और जो भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी फीजिबल हो सकती है उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए? फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो जिम्बाब्वे में ये कैसे पॉसिबल हो पाया? एक अमेरिकन कंपनी है, इप्सीडी नाम है उसका, और सो ये कंपनी मास्टर है ये ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वेरी हैवी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन बनाने में, जो कि इस फील्ड में यूज़ किया जा सकता है। तो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया इस अमेरिकन कंपनी के साथ। जिम्बाब्वे के पास पहले से ही बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी अपने वोटर्स की, हर कंट्रीज़ के पास होती है। इंडिया के पास भी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अपने हर वोटर की अवेलेबल है, उसी के बेसिस पे हमारे आधार बने। तो जिम्बाब्वे ने करार किया ये EPSIDI नाम की अमेरिकन कंपनी के साथ, इनके साथ डेटा शेयर किया गया और फिर बहुत ही ज़्यादा हैविली डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इस कंपनी ने बनाया, EPSIDI कंपनी ने बनाया जिम्बाब्वे के लिए, जिनका कि यूज़ हुआ हर वोटिंग बूथ पर। और इन डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से ये इंश्योर किया गया कि जो भी वोटर्स वोट देने आ रहे हैं उन सबके यूनिक फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं वोटिंग डेटा से। तो वोटिंग सिस्टम से पहले एक वोटिंग रोल बनाया गया, जैसे होता है ना वोटिंग लिस्ट निकलती है, जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में होते हैं वही लोग वोट दे पाते हैं। तो एक वोटिंग रोल बनाया गया, ये इंश्योर किया गया कि हाँ उन सबकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे कि जब वो वोट दें उनके वोट देते वक्त उनके फिंगरप्रिंट मैच हो पाए एग्जिस्टिंग डेटा के साथ। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जिम्बाब्वे में हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हुआ। और भरोसा देखो लोगों को कितना है, हम सब जानते हैं कि फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, दो इंसानों के फिंगरप्रिंट कभी एक नहीं हो सकते। इस दुनिया में लाख जितने भी करोड़ों अरबों इंसान हैं सबके यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं, तो ट्रस्ट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी पे। और सबसे बड़ी बात, अगर EVM पे शक है तो दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू when you take a next step and you can go towards a technology which people can trust, right? उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो इस तरीके से जिम्बाब्वे में अगर हो सकता है तो फिर इंडिया में भी हो सकता है। टाइम लग सकता है, ज़्यादा बड़ा देश है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन स्टार्ट करो स्टेट बाई स्टेट तो आई थिंक ये इंडिया में भी हो सकता है।
आपको क्या लगता है कि अगर आप संतुष्ट हो ईवीएम और वीवीपैट से? वीवीपैट हर जगह यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर ईवीएम ही चला आ रहा है। क्या आप संतुष्ट हो इससे, या फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए और ऑनलाइन वोटिंग, फिंगरप्रिंट रीडिंग जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपने वोटिंग सिस्टम में लाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और भरोसा करके जो एक वोटर है वोट देने जा सके? मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा अब आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।